गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइज, आज है दशहरा और हमारी भाषा में जिसे दसाई भी बोला जाता है। और जो अभी आपने देखा, मैं जो कर रहा था एक्चुअली एंगल, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आपको शायद आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कर क्या रहा था। एक्चुअली मैं कर रहा था सूर्यदेव की, सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा था। और जैसे कि मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम जी भी सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाया करते थे। और आज है दशहरा और दशहरे के बारे में तो आपको पता ही है कि आज रावण का वध किया था हमारे प्रभु श्री राम जी ने। सो गाइस, दशहरा हमारे लिए बहुत स्पेशल है, स्पेशली नेपाल और जो हमारे इंडिया में गोरखा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, उनमें से मैं भी हूँ। आज के दिन हम काफ़ी मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जो भी आता है उनको भी खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो आज के दिन हम कोई कमी नहीं रखते किसी के लिए भी, सब कुछ अवेलेबल रहता है सबके लिए, वो जो भी मांगे। आज मैं अभी ले चलूँगा आपको घर के टूर पे, या फिर अपने जहाँ भी परिवार में हम लोग जाएंगे, टीका लगाएंगे। वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं दशहरे को। चलते हैं अभी और दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे घर पर क्या क्या बन रहा है अभी। तो चलें गाइस, लेट्स गो। चलते हैं गाइस अभी और दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या अभी हम करने जा रहे हैं। गाइस, अभी हम एंटर कर चुके हैं अपने चूल्हे पे। तो आप देख सकते हैं ये पूरियां हमारी फूली हुई एकदम। और यहाँ पर वीडियो कॉलिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि फैमिली के फोन वगैरह आ रहे हैं दशहरे की बधाइयों की वजह से। ये स्पेशल शेफ आए हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी और क्या क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर। अभी एंटर कर चुका हूँ मैं अपने घर के अंदर। ये बन रहा है गाइस मटन, ये पहाड़ी बकरा है यहाँ का। गाइस, ये रही हमारी सेल रोटी। आज टाइम कम मिलता है इसलिए हमने कल रात को ही ये बना के रख ली थी। अगर आपको ये सेल रोटी पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस, ये बन रहा है हमारा मटन, आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा मसाला, इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग सिलबट्टे पे पीस लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है।
गाइस, ये पकोड़ा सामग्री तैयार होते हुए, ये बेसन और ये रहा पनीर। पनीर की सब्जी बनाई जाएगी आज वेज वालों के लिए। सो अभी हम चलते हैं ऊपर के रूम्स में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो घास होती है वो किस किस चीज़ से उगाई जाती है, कितने चीज़ों का मिक्सचर रहता है इसमें। और सो ये किया हमने एंटर अभी। सो गाइस, जो ये आपको हरी कलर की जो घास दिख रही है, तो ये पांच चीज़ों से मिलके उगाई जाती है। बाजरा, जौ, गेहूं, धान और मक्के से। सो और ये उगाई कब जाती है, ये उगाई जाती है, ये स्टार्टिंग जब हम इसको उगाने के लिए रख देते हैं इसमें पेटी में, ये नवरात्र के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। उस दिन हम इसे उगाने के लिए रख देते हैं और दशहरे के दिन इसे काटा जाता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम पे। ये जो गाइस आप देख रहे हैं, इसमें चावल और ये दही का मिक्सचर है, इसे हम माथे पे लगाते हैं आज के दिन। सो गाइस, ये बनना स्टार्ट हुआ है अभी हमारा पनीर। ये आए हैं हमारे भानिज, भांजा काशीपुर से हैं।
करते हैं ना बड़ा नानी। ये कितना जी तो देना है सवाल मुझे नीरज नीरज तो हाथ हो गई नीरज ये क्या हो गया तो चमत्कार हो गया कितना खुश हो रहे हैं वो एक सोने का कान का कंडल क्या शॉप जाओ अमन हाँ बढ़िया बढ़िया पार्टी होनी चाहिए बस घर में भी तकलीफ दे रहे हैं यार का मतलब क्या हो गया यार दे नहीं रहे हैं कोई सच नहीं बाबू तो यार दादा सर ये क्या होता है अरे बाबा यार सब कुछ दियो था इसको ठीक हो गया कर दियो मारो वो और इसको ठीक हो गया हां ये बाबू का जल्दी करो अगर सूरज जगा जल्दी करना सूरज जगा जल्दी करो सूरज जगा जल्दी करो आएंगे पक्का हां कर दियो डबल यार थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है सब अच्छा रहेगा